आज हम एक कच्चे आलू से बहुत ही कुरकुरा सा नाश्ता बना के तैयार करेंगे। ये नाश्ता बाहर से कुरकुरा और अंदर से बहुत ही मुलायम बन के तैयार होता है। तो फिर बिना देर किए हुए चलिए इस नाश्ते को बनाना शुरू करते हैं। इस नाश्ते को बनाने के लिए हमने यहाँ पे बाउल लिया है, जिसमें हम एक कच्चे आलू डाल रहे हैं घिस के। आलू को हमने पहले से ही छील लिया था और घिसने के बाद 3 से 4 बार साफ पानी से धो लिया था। आपको अगर नाश्ता ज़्यादा बनाना है तो आप आलू की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। अब इसमें हम 1 कप गेहूं का आटा डालेंगे। आप चाहे तो इसमें मैदा भी डाल सकते हैं गेहूं के आटे के बदले में, लेकिन मैंने यहाँ पे गेहूं का आटा लिया क्योंकि आटा हेल्दी होता है और ये नाश्ता मैंने बच्चों के लिए बनाया है। अब इसमें हम 1 से 2 बड़े चम्मच बेसन डाले हैं, जिससे नाश्ते का कलर अच्छा आएगा। अब इसमें हम 1 छोटे कप पत्ता गोभी को काट के डाले हैं और 1 कटे हुए टमाटर को डालेंगे। अब 1 कटे हुए प्याज छोटे टुकड़ों में, 2 से 3 हरी मिर्च को काट के डाला है। अगर आपको तीखा ज़्यादा पसंद है तो आप हरी मिर्च बढ़ा सकते हैं। अब इसमें हम हरा धनिया को काट के डाले हैं। अब इसमें हम ब्रेड क्रम्स डालेंगे 1 कप, इससे नाश्ता कुरकुरा बनेगा। अब इसमें हम स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे और 1/4 चम्मच इसमें हम हल्दी पाउडर डालेंगे और 1 चम्मच हम इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे, इससे नाश्ते का टेस्ट बढ़ेगा। अब इसमें हम 1/2 चम्मच जीरा पाउडर डालेंगे। अब इसको हम अच्छे से मिलाएंगे। पहले हम पानी का यूज़ नहीं करेंगे, पहले हम ऐसे ही मिला लेंगे, क्योंकि आलू में भी थोड़ा थोड़ा पानी था, हमने पानी को अच्छे से निचोड़ा नहीं था। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से मिलाएंगे। सारा पानी आप एक ही बार में ना डालें, पानी को थोड़ा थोड़ा करके ही डालें, नहीं तो घोल पतला हो जाएगा। ये हमारा बैटर अच्छे से तैयार हो गया है। इसको ना तो ज़्यादा पतला बनाना और ना ही ज़्यादा गाढ़ा। जिस तरह से आप हाथ में लोइया बना ले उस हिसाब से पानी डालें। अब हमने गैस पर पहले से पैन में तेल गरम करके रखा था, अब इसमें हम बड़ा जैसा डालते जाएंगे 1-1 करके। आपका पैन में जितना आटे आप उतना डालें और गैस का फ्लेम हम लो टू मीडियम रखेंगे, क्योंकि हाई फ्लेम में नाश्ते जल जाएगा बाहर से और अंदर से कच्चा रहेगा। तो इस तरह से हम नाश्ते को पलट देंगे, क्योंकि एक तरफ से सेक चुका है और दोनों तरफ से हम अच्छे से सेक लेंगे। ये नाश्ता बहुत ही कुरकुरा बनता है। इस नाश्ते को आप बच्चों के टिफिन में दे सकते हैं, या तो फिर छोटी मोटी भूख लगे तो शाम को चाय के साथ या तो चटनी के साथ ले सकते हैं। इस तरह से हम सारे नाश्ते को निकाल लेंगे और इसी तरह से सारा नाश्ता हम बना लेंगे। अब हम इस नाश्ते को सर्व कर लेते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस नाश्ते को एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए, आपको भी पसंद आएगी। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।